मैं आशीष यादव, इस क्लास में आपका स्वागत है। यह कंप्यूटर ज्ञान का एक और क्लास आपके लिए ले हाजिर हुआ हूँ। आप इस क्लास को देखें और अपना सलाह कमेंट करें, लाइक जरूर करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बिनवट का 35वां क्लास है, तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसका। तो फिर जैसे हमने प्रीवियस में देखा था, अपने सब ये सब एक्सिस, लेबल्स, इंसर्ट, ये सब हमने कर लिया। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे बैकग्राउंड। तो एक क्लास जो होगा अभी बैकग्राउंड का होगा, तो आप इसको पूरा लास्ट तक देखें, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जैसे यहाँ आता है प्लॉट एरिया, तो आप इस पे क्लिक करोगे, इसके बाद आपको यहाँ देखो प्लॉट एरिया जो है वो शो कर रहा है। तो इस प्लॉट एरिया पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक नॉन, एक शो प्लॉट एरिया। तो आपको ये दो दिख रहा है, तो इसमें आपको ये जो है यहाँ से यहाँ तक का ये प्लॉट एरिया होता है। तो अगर आपको इसे नहीं शो करना तो आप यहाँ से नॉन कर दोगे तो ये नहीं शो करेगा, यहाँ से चला जाएगा। सपोज मैं यहाँ से ग्रिड लाइन हटा देता हूँ, यहाँ से मैं जाके इसे नो, इसे भी नो कर दिया। तो नॉन करने के बाद वो सब चला गया। अब यहाँ से प्लॉट एरिया लाता हूँ, यहाँ से मैं शो करूंगा तो आपको ये देखो ये प्लॉट एरिया दिख रहा है। तो अगर नहीं करना है तो नॉन, अगर शो करना है तो शो प्लॉट एरिया कर देंगे तो शो हो जाएगा। फिर अगर आप इसमें देखो यहाँ मोर प्लॉट एरिया ऑप्शन, इसमें अगर कोई आपको फॉरवर्डिंग कलर वगैरह बैकग्राउंड में डालना है तो आप इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से एक पॉपअप दिख जाएगा। तो इसमें आपको अलग अलग स्टाइल में दिए होंगे, फिल, बॉर्डर कलर्स, बॉर्डर स्टाइल, शेडोज, 3D। तो मैं इसमें देखो फिल, फिल में आपको कोई भी सॉलिड कलर लेना हो तो आप यहाँ से क्लिक करो और फिर यहाँ से अपने हिसाब से कलर यहाँ सेलेक्ट कर लो, तो आपका वो सॉलिड कलर जो है यहाँ फिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है बॉर्डर कलर, आपको अगर इसमें बॉर्डर देना हो उसका कलर वगैरह तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो आपको कैसा चाहिए। तो मैं सॉलिड कलर में जाके यहाँ से कुछ एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आपको जो है उसका कलर दिख जाएगा। फिर ये तो कलर हमारा आ गया, पर अभी हमें बॉर्डर स्टाइल देता हूँ तो आपको दिखेगा। मैं इसकी साइज इंक्रीज करता हूँ, साइज इंक्रीज कर दिया मैंने। फिर यहाँ से आप बॉर्डर स्टाइल ले सकते हो, यहाँ से इसकी टाइप की सब किस साइज का रहेगा, और यहाँ से फिर हम इसकी साइज जब बढ़ाते हैं तो आपको यहाँ से ये दिखेगा, अब आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो ये शेडो वगैरह आप इसमें देख सकते हैं, बहुत हल्का हल्का काम करता है। तो मैं इसमें नहीं देखूंगा ये, क्योंकि ये बहुत रेयर केस में इसका यूज किया जाता है, तो आप इसका यूज करना, वैसे बेसिकली इसका काफी कम ही यूज होता है। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, तो इस प्रकार से मैं इसे क्लोज कर दिया। फिर हमारा यहाँ आता है चार्ट वेल, चार्ट फ्लोट एंड चार्ट रोटेशन। तो इस ये हमें यहाँ शो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमें इस चार्ट जो है ये चार्ट को हमें बदलना पड़ेगा, इस चार्ट में ये शो नहीं करता है। तो आप इस चार्ट को सेलेक्ट करो और यहाँ डिजाइन में जाओ, फिर आपको यहाँ चेंज चार्ट टाइप दिखेगा। तो आप इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ देखो ये सब दिख गया। तो आपको इसमें से बार वाला जो है इसमें से ये सिलेक्ट करना होगा, और इसमें से कोई आप एक सिलेक्ट कर लो यहाँ से और फिर ओके कर दो। तो आप अगर आप लेआउट में जाओगे तो आपको देखो ये तीनों ऑप्शन जो है वो चालू हो गए हैं, चार्ट व्हील एंड फ्लो, चार्ट फ्लो एंड रोटेशन। तो इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। फिर इसमें अगर आप देखो चार्ट व्हील, तो हमने जो अभी देखा जस्ट पीछे वही होता है, तो हम यहाँ देखो नॉन कर देंगे तो ये चला जाएगा, जो हमने वहां देखा था हमने प्लॉट एरिया वो वही है, थोड़ा इसमें चेंजेस है। तो आप इसमें देख सकते हो, फिर से शो करना तो आप यहाँ से शो कर सकते हो। वो हमारा जो था एकदम सिंपल 2D में था, ये थोड़ा 3D टाइप में है। तो फिर इसको अगर कुछ आप यहाँ से फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, फिल वगैरह जैसा कि आपने देखा अभी, तो आप यहाँ से ले सकते हो जैसा आपको चाहिए, यहाँ से अपने इच्छा अनुसार। फिर यहाँ से बॉर्डर कलर वगैरह आपका वही सेम है, आप इसमें से कलर ले लो। फिर यहाँ से इसकी स्टाइल वगैरह आपको जैसे चाहिए, साइज इंक्रीज कर लो, तो आप यहाँ से इसका कर सकते हो। फिर यहाँ से मैं इसे क्लोज कर लूँ, बाकी सब शैडो, 3D, रोटेशन आपका सब वही है। तो आप इसमें से जो भी करना आप यहाँ से ऐसा यूज कर सकते हो, यहाँ से आपको जितना रोटेट करना है आप वहाँ से रोटेट वगैरह ये सब कर लोगे। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट आपका आता है चार्ट फ्लोर, तो आपको जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको भी इसमें दो ऑप्शन दिखेगा, नॉन करोगे तो शो नहीं करेगा, अगर यस करोगे तो शो करेगा।
आपको पता है कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ आपको यहाँ दिखेगा। तो मैं इसमें जाके फिर यहाँ से अब हम मोर फ्लो ऑप्शन पे जाएंगे। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप आएगा, इस पॉपअप में हम मैं फिल करूँगा तो आपको यहाँ दिख रहा होगा अलग अलग कलर। तो यहाँ से आप इसका यूज कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करो, टाइप वगैरह ये सब आप देख सकते हो। फिर यहाँ से बॉर्डर की स्टाइल वगैरह हम जो देंगे तो आप यहाँ से आसानी से सभी चीज़ों का उपयोग कर सकते हो। फिर यहाँ से मैं इसे क्लोज किया। तो अब हम इसमें देखते हैं 3D रोटेशन। तो जैसे आप इस पर 3D रोटेशन पे क्लिक करोगे तो आपको ये जितना रोटेट करना, हमने आगे यहाँ देखा था जो रोटेट करने का ऑप्शन आया था वही इसमें भी है। तो आप यहाँ से कुछ भी रोटेट आपको जितने एंगल में करना है आप यहाँ से उतने एंगल में रोटेट कर सकते हो, या कोई फील वगैरह देना था आप यहाँ से देखो पूरे चार्ट में फील भी दे सकते हो जैसा आपको चाहिए। फिर बॉर्डर कलर आपको जैसा देना है आप यहाँ से बॉर्डर कलर दे सकते हो, बॉर्डर का स्टाइल देके यहाँ से बॉर्डर इंक्रीज करोगे तो आपको यहाँ शो हो रहा होगा बॉर्डर पे, यहाँ आप यहाँ से देख सकते हो। फिर शेड वगैरह तो इसमें बहुत कम काम आता है। तो अब दोस्तों ये था आज का विनवर्ड में, हमने 35 क्लास किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें। और ऐसे ही टेक्नोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में घंटी आएगा उसे भी क्लिक कर लो, ताकि उससे ही आपको वीडियो सभी नए वाले मिलने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।